वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने युवान एकेडमी पे स्वागत है। आज हम सेंटअप एग्जाम का जो सोशल साइंस है उसका सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब तक तो आपको बिलीव हो गया होगा कि जो क्वेश्चन डालते हैं वो 100% सही होता है और रियल होता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना हेल्प मेरा कर दीजिए, हम आपका हेल्प कर रहे हैं तो आप भी मेरा हेल्प कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जितना आपको सब्जेक्टिव बोलेगा उसका दीर्घ उत्तरीय हो लघु उत्तरीय हो सारा डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, जो जिस क्वेश्चन में हमको डॉट है, टाइम नहीं मिला इसलिए हम उसको खोज नहीं पाए, ठीक है, तो उसको या तो छोड़ दीजिएगा या खुद से खोज लीजिएगा। हम बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, उसको खुद से खोज लीजिएगा। वैसे खोजने का कोई ज़रूरत नहीं, 80 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन जवाब देना है, और सब्जेक्टिव में 32 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 16 क्वेश्चन यानी 50% का ही जवाब देना है, ठीक है। इसलिए आपके पास बहुत क्वेश्चन है, वो छोड़ के दूसरा जवाब दे सकते हैं या आप खोज सकते हैं, तो खोज के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर उस आंसर को बता दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बहुत जगह हमको इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र मिला है और कुछ जगह तृतीयक क्षेत्र भी। अगर एक बार आप लोग क्या कहते हैं BTBC का जो बुक चलता है उसमें खोज लीजिएगा कि ये इसका आंसर क्या है, अगर आपको मिलता है जो वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। या तो प्राथमिक होगा या तृतीयक होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, इस क्वेश्चन में डॉट है, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो जो क्वेश्चन बोले छोड़ देने के लिए उसको छोड़ के बाकी जो आपको है 40 से सिर्फ बनाना है, इसलिए तो आपके पास बहुत क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। समाज का निजी स्वामित्व ये बिल्कुल है, निजी लाभ ये भी है, कीमत यंत्र ये भी है, लेकिन सामाजिक कल्याण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की अधिकतम जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है, कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें से कोई, किस क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा चार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, गोवा का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू हुआ वो कब हुआ, 1991। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात। तो सर्वोच्च किसका है, केरल का है। ऑप्शन नंबर बी सात का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है, क्रोना, डॉलर, रूबल, रियाल। तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन है कि इस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई। तो साख का जो सृजन किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। दस नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट, दस नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करता है, तो हार्टले विदर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसके इस क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र लेके चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेंगे, चेक नहीं कर पाया, जल्दी क्वेश्चन मिला है, जल्दी से सॉल्यूशन दे रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, या कोई अगर छात्र होगा इसको चेक करके एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बता दीजिएगा। गलत आंसर नहीं देना है, बस वही ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक रोजगार पैदा देने वाला कौन संस्था होगी, मनरेगा हो जाएगा, नरेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण। तो अनावश्यक नियंत्रण और प्रबंधन को हटाना सरकार क्या के द्वारा जो हटाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर
कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995, 96, 97, 98। तो कब बना? 1995 में सदस्य बना। ऑप्शन नंबर ए 14 का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1975, 1986, 1987, 1989। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रेनर नरकस, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की बंगाल विभाजन कब हुआ? 1902, 1905, 1907, 1911। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजेनी का संबंध किस संगठन से है? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, इनमें से कोई। तो मेजेनी का जो संबंध है तो कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1821, 1832, 1841, 1851। तो यूनान को जो स्वतंत्रता मिला कस्तुनतुनिया के संधि के तहत वो कब? 1832 में मिला। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस, पर्सिया, रूस, जर्मनी। तो सेडोन के युद्ध में जो पराजय हुई वो किसकी हुई? फ्रांस की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1830 में, 1905 में, 1910, 1920। तो 1905 में रूस में ड्यूमा का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की? बिस्मार्क, मेटरनिक, मेजेनी, लेनिन। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस पेश किया, तो ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? तो विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? रूस है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो कहाँ? जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी 26 का हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। तो वियतनाम की राजधानी हनोई ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? पेरिस, हनोई, जेनेवा, इनमें से कोई। किस समझौता के तहत बांटा गया? जेनेवा समझौता के तहत बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन, बम्बई, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन। तो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि धरासना में किसके नेतृत्व के सत्याग्रह हुआ? इस क्वेश्चन को भी चेक लिया, मेरे हिसाब से सरोजिनी नायडू होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़िए के चलिएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उसे सरोजिनी नायडू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1838, 1876, 1943, 1866। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1886, ऑप्शन नंबर डी इस डाइस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरु दयाल, चंद्रशेखर आजाद, सोहन सिंह भाकना, बाल गंगाधर तिलक। तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। ऑप्शन नंबर ए 32 का हो जाएगा, सॉरी 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 1907। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? हेम्स हार्गिव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, जॉन के कार्ट राइट। तो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था वो क्रॉम्पटन के द्वारा किया था, तो ऑप्शन नंबर बी 34 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणकारी। तो किस प्रकार की प्रगतिशील बढ़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 के
कि मंदी पर सबसे बुरा प्रभाव किस देश को पड़ा? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो 1929 की जो आर्थिक मंदी थी उससे सबसे अधिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका को पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे है? राजनीतिक से, सामाजिक से, धार्मिक से, आर्थिक से। तो इसकी संबंध आर्थिक से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक नीति। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1947, 1948। तो आर्थिक मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? जापान, उत्तरी कोरिया, चीन, ब्रिटेन। तो सॉरी, मुद्रा नहीं, मुद्रण कला का, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? चीन से हुआ, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी, इससे पहले क्वेश्चन छूट गया, 41 हाँ, 95 थे सीएस के लेखक कौन है? हीगल, टॉलस्टॉय, इसके मार्टिन लूथर किंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कॉमेडी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये बंगला भाषा का, तो 42 का ए हो जाएगा राइट आंसर, बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786, 1768, 1832, 1888। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन? 1920 नागपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, एम एन राय, सत्यभक्त, एस ए डांगे। तो ताशकंद में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ वो कौन किया था? एम एन राय ने। 46 का क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजेनी, लेनिन, स्टालिन, गरेवाल्डी। तो यंग इटली की स्थापना मेजेनी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 48, 49। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन का लिंक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या उससे भी आसान है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आराम से देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 49 में है कि निम्न में से कौन संघ सूची में है? शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य, पुलिस। तो संघ सूची में क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? एक तिहाई, एक चौथाई, दो तिहाई, इनमें से कोई। कितना बहुमत? दो तिहाई की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पे हुई? अशोक मेहता समिति, वर्मा समिति, केलकर समिति, बलवंत राय मेहता। तो किसके समिति सिफारिश पंचायती राज हुआ? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 नंबर की संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। दूसरा स्तर हो जाएगा पंचायत समिति, पहला हो जाएगा ग्राम पंचायत, और जिला परिषद तृतीय स्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव कुमार, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा। तो 1975 के अकाल समय कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई, तो 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 नंबर की निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वो क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात। तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 57 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है, तो 5 वर्षों का आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किस राज्य को अधिक लाभ हुआ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी, तो सबको लाभ हुआ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यह क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरित क्रांति से सारे को लाभ हुआ था जितना भी ऑप्शन में है, तो 60 नंबर की पानी के निजीकरण के विरुद्ध कौन कहां संघर्ष हुआ, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बोलिविया, तो कहां संघर्ष हुआ, बोलिविया में, ऑप्शन नंबर 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था, दू दलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई, तो भारत में किस दलीय, बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, करना, तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, चरक का संबंध किस देश से है, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भारत, तो चरक का संबंध भारत से है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 64 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, 200 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक होता है, 200 किलोमीटर तक होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है, व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय भी होता है, लेकिन नवीकरणीय जो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, गंडक, पुनपुन, सोन, कोसी, तो सोन की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से हुई, तो ऑप्शन नंबर सी 68 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, 60, 50, 55, 65, तो कितने प्रतिशत बचा है, 8%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति संबंधित है मशरूम से, अंडा से, दूध से, इनमें से कोई नहीं, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी 70 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कि रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, शुष्क जलवायु, इनमें से कोई नहीं, तो रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 71 का हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों उगाई जाती है, गेहूं, चावल, मशरूम, अरंडी, अरंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो दामोदर घाटी परियोजना से लाभ किसको मिलता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है, तो 73 का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की निम्न में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस पीट, तो लिग्नाइट, हेमाटाइट और पीट क्या कोयले का प्रकार है, हेमाटाइट क्या है, लो अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में, टीबी में, तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार, इनमें से कौन, उत्तरी बिहार होगा, यहाँ बाढ़ और सूखा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो 76 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई, तो कौन सा सुखाड़ क्या कहते हैं सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है, कृषि सुखाड़ माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79 नंबर की बाढ़ से हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, सुनामी, परमाणु विस्फोट, देखिए तो यहाँ प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, तो प्रकृति के द्वारा कौन हो सकता है, सुनामी हो सकता है, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे तो आदमी कर सकता, आतंकवाद भी आदमी करता, परमाणु विस्फोट भी आदमी ही करता, तो ये सब क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा, लेकिन सुनामी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो यहाँ 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 32 क्वेश्चन पूछा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स मिलाकर, उसमें से आपको कितना 16 क्वेश्चन का जवाब देना है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी कितना नंबर का है, 40 नंबर का, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या कहते हैं, किसका है सबसे पहले ऊपर में, हाँ, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए 1 से 6 तक
में आपको कितना, 6 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो इसमें से 6 क्वेश्चन में होता है वो आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, दूसरा है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये चौथा हो गया। और ये पांचवा क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, चौथा सॉरी, पर स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। ये आपका छठा क्वेश्चन रहा कि औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया है, ये छठा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, 7 और 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन जवाब देना है। तो 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद सोल्यूशन आपको बताएंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये बनाइए, चाहे 8वां क्वेश्चन आप ये बनाइए। क्या है 8वां क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का विवेचना करें। तो 7 और 8 में से एक क्वेश्चन बनाना है, और 1 से 6 तक में से आपको 3 बनाना है। तो देखिए 2 नंबर का आंसर यह है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपको 3 नंबर का आंसर हो गया, सरबरा वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट है ये 4 नंबर का आंसर हो गया, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि जेनेवा समझौता के बारे में लिखने के लिए, तो यही लिख दीजिएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये आंसर हुआ स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य, इसी का थोड़ा और नीचे में है, ये भी उसी का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये है तो इसका आंसर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आ गया राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, 9 से 12 तक में, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 9 से 12 में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सत्ता के क्षैतिज वितरण एवं ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या है, उसको बताना है, ग्राम पंचायत का कौन कौन आय है वो बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण को बताएं, तो जो इसमें से आपको होता है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आ गया 13-14, इसमें से एक क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए होगा। तो पहला क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता को लिखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है नगर परिषद के गठन और कार्यों का उल्लेख करें, तो ये 13-14 हो गया। अब आंसर देख लीजिए, 10 नंबर का ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 नंबर में ये लिख दीजिएगा। 11 नंबर का आंसर ये हो गया, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत जो लिखने के लिए, 11 हो गया। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, और ये आपका 12 का आंसर हो जाएगा, बिहार में छात्र आंदोलन का के प्रमुख कारण क्या किए थे वो है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा 13, भारत में संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये उसी का थोड़ा बचा हुआ है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पूरा उसी का है सॉल्यूशन। अब आगे आपको अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में है 15 से 18 तक में, 3 क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 4 क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, 16 अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक अवसंरचना क्या है, 18वां क्वेश्चन है कि कोपरा क्या है, 20 क्वेश्चन में से जो आपको होता है वो आप लोग आप बना सकते हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आइए, तो 19 से 20 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों में से एक बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए रहेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, भारत में इन सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई। और 20वां क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, ये 20वां क्वेश्चन हो गया। अब आंसर पे चलते हैं, 16 का ये आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 16 नंबर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 17 का आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको कोपरा क्या है उसका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए।
अब चलते हैं भूगोल ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो 21 से 26 तक क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन बनाना, 6 में से तीन क्वेश्चन बनाना, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर के लिए रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज क्या है, 22 नंबर है कि लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए, 23 में है कि तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें, 24 नंबर क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। उसके बाद है 25 और 26 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के किन्हीं दो प्रकार का संक्षिप्त वितरण दीजिए, सतत विकास क्या है। तो इसमें से आपको तीन क्वेश्चन बनाना है। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय दो क्वेश्चन दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको चार नंबर का होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन, 27-28 में से एक ही बनाना है। तो 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें, 28 में कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है। तो इस दोनों में से कोई एक बनाना है। अब देखिए आपदा प्रबंधन में 19 से 32 तक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें से दो क्वेश्चन का जवाब देना है 29 से 32 तक में। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ छूट गया, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 29 हो गया, अब 30, 31, 32 देख लीजिए आपको। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानियां का उल्लेख, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखे। तो इसका सब सारा का सॉल्यूशन नीचे में है, ये सतत विकास के बारे में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसी का हो गया। चलिए आगे है, ये 23 नंबर का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 22 का आंसर हो गया, ये आपको 27 का आंसर हो गया, नेक्स्ट हो गया ये 14, ये कितना का है, 29 का है शायद, हाँ ये 29 नंबर का है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये इसका पूरा नहीं हुआ होगा, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 27 का। चलिए क्लियर, चलिए हाँ अब इसका ले लीजिए, अब 31 नंबर का स्क्रीनशॉट और ये रहा 32 का, हो गया ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा वीडियो का अपलोड हो चुका है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारा का आप लोग वहां से जाके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।